Thank you very much. Tashreef lijiye. Isn't it wonderful that we are moving from a session that is Make in India to Making India Proud? These two ladies have done just that. Theirs is a story of true grit, ambition, and determination. And I'm absolutely, absolutely chuffed that I have this opportunity to be sitting here and being in conversation with them, asking them questions. I really love my job. Sabse pehle, Geeta, Babita, आपको इन कपड़ों में देखकर ऐसा लग रहा है आप बड़े ग्लैमरस लग रहे हैं. थैंक यू. आप किसी भी एंगल से पहलवान नहीं लग रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर. बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इट्स वेरी नाइस. और जैसे मैं अभी कह रही थी, मुझे अपना जॉब है ना बहुत पसंद है, क्योंकि आप जैसे महिलाओं से, लड़कियों से मुझे मिलने का मौका मिलता है, आपसे बात करने का मौका मिलता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. और हमें भी हमारी रेसलिंग बहुत अच्छी लगती है. वो तो है. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगता है, आपकी उम्र बहुत कम है लेकिन आपकी लाइफ पर ऑलरेडी एक पिक्चर बनी है. हाउ डज दैट फील? आप कैसा महसूस करते हैं कि लगभग पूरे इंडिया को और इंडिया से बाहर भी लोगों को आपकी कहानी इतने डिटेल में उनको पता है? बहुत अच्छा लगता है कि और खुशी होती है कि हमने देश के लिए मेडल जीते. लोग जानते थे, लेकिन जो फिल्म आने के बाद जो पहचान मिली है वो एक अलग ही पहचान मिली है. और ख़ास करके मेरे पिता को, क्योंकि उन फिल्म आने से पहले उनको कोई नहीं जानता था. शायद जो स्पोर्ट्स से, जो रेसलिंग से जुड़े वो लोग जानते थे, और उनको एक अलग ही पहचान मिली है. पिता को हानिकारक बापू के रूप में हो, चाहे वो हमें मतलब इस मुकाम तक पहुँचाने के रूप में. तो मेरे पिता ने जो मेहनत की हमसे करवाई, तो वो सब लोगों को, पूरी दुनिया को उसका पता चला है. तो ये सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है. बबीता, आपकी ज़िंदगी की कहानी आमिर खान को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फिल्म बनाई उस पर, लोग आपके बारे में इतना बात करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे गीता ने बताया कि लोग हमें तो फिर भी कहीं ना कहीं रेसलिंग की वजह से जानते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कोई नहीं जानता था, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है, और हमारी सक्सेस के पीछे किन का हाथ है. तो अब बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि अब हर गली, हर मोहल्ले में लोग जानते हैं कि कौन गीता बबीता है और कौन महावीर फोगाट हैं, और लोग इंस्पायर हो रहे हैं. सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसको निखारने की कमी ज़रूरत थी. तो लोग इस फिल्म को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं कि कैसे लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, और कैसे, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लड़कियों को घूंघट के अंदर रखा जाता है, पर्दे के पीछे, और घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था. तो वहाँ से मेरे माता पिता ने हमें घर से बाहर भी निकाला और रेसलिंग जैसे गेम को चुना. अगर रनिंग वगैरह या और कोई गेम होता तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन रेसलिंग गेम चुना, या मतलब लोग जब अगर कहीं खेलने जाते थे तो लोग बोलते थे कि ये एक पुरुषों का गेम है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि लड़कियां कुश्ती करती हैं. अगर वहाँ पे ऐसे कमेंट मिल रहे हैं तो वहाँ पे मतलब ना के बराबर ही थी रेसलिंग. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमें घर से बाहर निकाला और इस मुकाम पर पहुँचाया, उनकी मेहनत तो आज रंग लेके आई, और हमारी मेहनत. तो थैंक बोलना चाहूँगी भगवान को कि उन्होंने हमें ऐसे माँ बाप दिए, और चाहूँगी कि हर जन्म में मुझे ऐसे माँ बाप मिले. हमने फिल्म में तो ये देखा कि लोगों ने आपको कैसे पाया, आपको कैसे अलग नज़रों से देखा जब आप रेसलिंग में घुसे. हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था जब पहली बार आप अखाड़े पे उतरे, लोगों के क्या रिएक्शंस थे, वो आपको कैसे पाते थे, और अब आपके सक्सेस के बाद और अब इस फिल्म के बाद कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं आपको? देखिए कि जब हमने कुश्ती की शुरुआत की तो 12-13 साल, मेरी उम्र 12-13 साल थी, और 25-26 केजी मेरा वेट था. तो उस समय में लोग क्या बोलते हैं,
क्या कहते हैं, मतलब किस स्पोर्ट्स में क्या, मतलब किस, कोई भी मतलब नहीं था उन चीज़ों से, बस बच्चे थे तो बस बस एक मेरे पिता का ही डर रहता था हमेशा, कि हर रोज़ वो इतनी मेहनत करवाते थे कि उससे कैसा बचा जाए। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो मतलब बाहर भी जाते थे दंगल लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर लड़कियाँ, अभी तो फिर भी बहुत लड़कियाँ रेसलिंग में आगे आई हैं और आ रही हैं, लेकिन उस टाइम पर इतनी लड़कियां नहीं होती थी, और जिस गांव में मेरे गांव के आसपास लड़कियां थी नहीं कुश्ती में, तो मेरे पिता हमें दंगल, मिट्टी के दंगल लड़वाने लेके जाते थे लड़कों के साथ, क्योंकि वहां पे लड़के ही होते, लड़कियां नहीं होती थी, लड़कों की धुलाई कर देते थे आप ना, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया कि मेरे पिता हमेशा बोलते थे कि जो मतलब जो ज़्यादा स्ट्रोंग दिखे उसी के साथ हाथ मिलाना है, तो मतलब लड़कों के साथ कुश्ती होती थी, उनको हराते थे तो बहुत शर्म, वो भाग ही जाते थे, सर उनको शर्म भी आती थी कि लड़की से हार गए, तो आसपास के जो मतलब यार दोस्त होते थे वो भी बोलते थे कि ओए तू लड़की से हार गया, तो मतलब वो एक कि मतलब लड़की को ऐसा मानते हैं कि जैसे कि लड़की बताने मतलब मिट्टी है जैसे, तो वो एक चीज़, तो जब हम जीतते थे उनसे तो हमें एक अलग ही खुशी होती थी, और मतलब आसपास के गांव के इलाकों में लोग बोलते थे कि वो, हमारे गांव का नाम बलाली, तो बोलते थे कि बलाली की छोरियां हैं दो गीता और बबीता, तो लड़कों को चित कर देती हैं, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर अच्छी लगती थी, चित कर देते हैं, आई लव इट, आई लव द साउंड ऑफ दैट। तो उस समय हमें भी नहीं पता था, लेकिन मेरे पिता के जहन में उनका एक सपना जो था वो था कि मेरी बेटियां एक दिन ओलंपिक से मेडल लेके आएंगी, मेरी बेटियां एक दिन उस मुकाम पर पहुंचेंगी, तो उनकी वो मेहनत, उनका वो सपना और उनकी वो मेहनत, वो हमें करवाते, मेहनत खैर हमने की है, लेकिन सपना तब तक उन्हीं का था, तब तक मैं सीनियर लेवल पर नहीं आई, मैं 17-18-19 साल की मैं जब हुई तब ये सपना जाके हमने अपना बनाया, उससे पहले वो मेरे पिता के डर से ही हमने किया और बहुत मेहनत की है। पर मेडल्स जीतने के बाद गांव के लोग आपको कैसे देखने लगे, और अब फिल्म की रिलीज के बाद अब तो आप तो मेडल्स जीत, जब हम जब जो जो टूर्नामेंट्स होते थे, एशियन चैम्पियनशिप होती थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती, तो उनमें जब हम मेडल जीत के लाते थे, उसी टाइम मेरे गांव के जो आसपास के जो लोग थे, तो मतलब कहीं ना कहीं सोच में बदलाव आया, लेकिन वो सिर्फ हमारे प्रति आया, अपनी बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति वो तभी भी नहीं बदले थे, जो वो बदलाव आया वो अब दंगल फिल्म की वजह से आया है, कि लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ ये कितना बड़ा इन्होंने काम किया है, और बेटियां बेटों से किसी भी तरह कम नहीं है, लोग आपको अलग नज़रिए से देखते हैं ना बबीता। बिल्कुल, क्योंकि पहले जाते थे तो घर से, मैं अपने घर से ही बताती हूँ, घर से बाहर निकलते थे तो गांव के लोग भी बोलते थे कि ये शॉर्ट्स डाल, कभी कभी ट्रेनिंग के टाइम हम शॉर्ट्स डाल लेते थे या कुछ भी, तो कमेंट करते थे, लेकिन आज वही लोग उन चीज़ों को भूल कर कि ये क्या पहनते हैं, क्या क्या करते हैं, लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, वो सब चीज़ भूल के आज उन लोगों की सोच इतनी चेंज हो गई है कि वो ये देखते हैं कि वो रेसलिंग कैसे करते हैं। मैंने ना 7 साल पहले अपने बाल छोटे किए, और मैं अपनी चॉइस से मैंने ऐसा किया, लेकिन आप, आपके जब आपके छोटे बाल, जब पहली बार आपके बाल काटे गए तो आपका चॉइस, पहली बार नहीं, मैं जब 9-10 तक थी तब तक मेरे बाल, मतलब बाल रहते ही नहीं थे सिर के ऊपर, मेरे पापा ऐसा हाल करवा देते थे, और जब हमारे घर में नाई आते थे बाल काटने के लिए, तो पापा बैठे हुए होते थे तो सभी को बुला लेते थे कि बाल काटने वाला आया हुआ है, और जब हम सोचते थे कि, पूछते थे कि पापा कहाँ बैठे हैं, तो बोलते थे साइड में बैठे हुए हैं, तो जैसे ही हम पहुँचते पापा की चेयर सामने होती थी, तो हम ऐसे गर्दन नीचे करके बैठ जाते थे, ना ही मुंडन कर देता, और ऐसे भी होता था कि जैसे थोड़े बाल बड़े हो गए और पापा ये पता है कि नाई आया हुआ, नाई को पकड़ लेते थे रस्ते में कि बाल थोड़े कम काटना, ज़्यादा मत काटना, तो जब वहाँ पे कुछ चेयर पे जाके बैठते तो नाई स्टार्ट कर देता था, पापा कहता था कि बाल बिल्कुल छोटे करने, हम जैसे पापा की नज़र उधर होती फिर कहते थोड़े छोड़ देना, नाई को आँख दिखाते थे कि थोड़े छोड़ देना, और वहाँ पे रोने की हिम्मत भी नहीं होती थी पापा के सामने कि बाल कट रहे हैं, रोएं तो वो घर में आके जब शीशे में देखते थे अपने आप को, फिर रोते थे थोड़ी देर, फिर आपने अभी तक अपने बाल छोटे ही रखे हैं, आपने जैसे मूवी के अंदर देखा होगा कि गीता ने तो कैंप के अंदर बाल बढ़ाए थे, वो सच है, और मैंने तब से ही नहीं कटूँ, यानी कि अब तो फिर भी थोड़ी बहुत, दंगल मूवी आने के बाद पापा ने छूट दे दी बाल बढ़ाने की, ये तो ये लगा ये बहुत ही बड़े हैं मेरे बाल, नहीं तो आपसे भी छोटे थे मेरे, मेरे से भी छोटे, ये लगा लो कि गंजी ही थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो पिक्चर में दिखाया गया कितना प्रतिशत सच है?
99% अच्छा ये बात बताइए कि कौन सी वो बात है जो जिसे हम क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं फिल्म को बढ़िया बनाने के लिए अच्छा दिखाने के लिए देखिए ऐसा सीन ऐड हुआ है आप हमारे साथ कोई मुझे कोई एक सीन ऐसा मैं नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल ही नहीं हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब बदल के लेकिन हैं हमारे जीवन पे आधारित हैं हमारे जो करेक्टर थे या जो जीवन में हुई उनके आर बार मतलब उसी के राउंड हैं जैसे कि मेरे पिता को लास्ट बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे पिता को आखिर में लॉक किया गया कि नहीं लेकिन उनको लॉक नहीं किया गया उनको अंदर एंट्री नहीं की गई जैसे कि जो जहाँ पे हम वार्म अप करते हैं तो वो तो लॉक ही हुआ ना वो बाहर ही लॉक बस ये मतलब इस तरह ही हुआ तो कमरे में लॉक नहीं किया कमरे में लॉक नहीं किया वो था क्रिएटिव लिबर्टी मतलब इर्द गिर्द है कहानी कहीं ना कहीं कि अगर कोई एक दो पॉइंट कहीं जो है वो जैसे आपने बताया कि पापा को लॉक नहीं किया गया था वो हमारे तक पहुँच नहीं पाए थे तो ऐसे ही यानि कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है पूरी की पूरी कहानी तो और आपके बापू वाकई में उतने हानिकारक हैं कि रियल लाइफ में थोड़े मतलब नरम हैं रियल लाइफ में मतलब घर अखाड़े पे कड़क होते थे एकदम सख्त होते थे पर घर पे कैसे होते थे मेरे पापा बोलते हैं बीबी कि मतलब मेरा दिल उनका बहुत नाजुक भी है वो प्यार दिखाते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल से पता नहीं दया उनको दिखाने जब हम देखने के लिए तरस जाते हैं उनकी कि कब प्यार आएगा और बचपन में भी जब भी ट्रेनिंग देते हैं जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक तो कोच होता है कि बच्चा स्टेडियम गया सेंटर पे गया ट्रेनिंग करके आ गया कोच से पीछा छूट गया घर आ गया अब तो आराम से सोएगा लेकिन यहाँ पे तो कोच से बिल्कुल पीछा हाँ वही वही कि फिर पूरे दिन मेरे पापा के ताने सुनने पड़ते थे पूरे दिन ताने कि प्रैक्टिस नहीं करती ऐसे खा के सोने को कहाँ से आएगा इससे घर का काम करवाओ झाड़ू पोछा करवाओ तो मतलब या तो बोलते थे कि ये सुबह उठ के 4 बजे तक जो मैं करवाऊंगा वो करना पड़ेगा नहीं फिर घर का काम करने के लिए 4 बजे उठना पड़ेगा और वो दोनों चीज़ें मुश्किल लगती थी ऐसे भी होता था कि जैसे पापा एक कभी कभार ट्रेनिंग पे नहीं गए तो हम 4 बजे उठते ज़रूर थे डेली जाके और पापा नहीं गए तो जाके अपना कंबल या चादर लेके जाते थे ग्राउंड में सो जाते थे और बैठे बैठे भी सो जाते हम तो बैठे बैठे ही सोते थे ग्राउंड में जाके वैसे वहाँ बेड तो लगेगा कहाँ पे तो अपने बैठे बैठे और एक भाई को देखने के लिए बैठा देते थे कि तू पापा को देखते रहना डे टू डे हम यानि कि अपना लाइन लगा लेते थे कि आज तेरा नंबर है आज मेरा नंबर है और तू देखेगा पापा आएगा तब बता देना क्योंकि मेरे घर के बाहर एक लाइट लगी लट्टू लगा हुआ था और जो हम सुबह 4 बजे उठ जाते गाँव में खेतों में कहाँ लाइट होती है अंधेरा वैसे ही रहता है तो जब घर का लट्टू बाहर से जलता था तो एक सीधा रास्ता जाता था तो उस कोने पे जहाँ पे हमारा ग्राउंड जाता था उस किसी को भी बिठा देते थे कि लाइट से जब निकलेंगे मेरे पापा तो दिखाई देगा कि आदमी चला है घर से और मेरे पापा कुर्ते पजामा पहनते थे सफ़ेद तो दूर से ही दिख जाते थे तो फिर अपने कम्बल उम्बल उठ फेंक के आपने अपना सिस्टम ढूंढ लिया था लेकिन मेरे पापा भी हम कोई भी चिटिंग करते थे तो वो कहीं उसका कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते थे कई बार क्या होता था कि हम सोचते कि मेरे पापा गए हुए हैं बाहर और मेरे पापा रात को वापस आके खेतों में छुप जाते थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की है यानी कि हम उनसे बचने का उपाय ढूंढते थे तो वो हमें पकड़ने का उपाय ढूंढते थे वो खेतों में मतलब सरसों है या फिर खाली खेत है खेत में लेट जाते थे पूरे के पूरे फिर हमें दिखता था कि हम चारों तरफ देखते थे ग्राउंड के बाहर से कोई सफ़ेद दिख तो नहीं रहा कुछ तो कई बार लेटे हुए होते थे तो जानबूझ के पत्थर मारते थे फिर निकल के आते थे मेरे पापा कोच और पिताजी हो तो ऐसे पर ये बताइए वो जो सीन है जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है अपने पिताजी से वो कुश्ती लड़ते हैं ऐसा हुआ है ऐसा कई बार होता था क्योंकि मेरे पिता भी पहलवान रहे हैं और वो अंदर वो खून के अंदर ही होता है कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना तो वही मेरे पिता भी कि वो अपनी ताकत आजमा मतलब हमेशा चाहते हैं कि मैं भी अभी भी तगड़ा हूँ सोचते रहते हैं कि मैं हरा लूँगा लेकिन और कई बार जब हम कैंप से आते थे नेशनल कैंप से वो हमेशा बोलते थे कि मेरे से दूर जाते हो तो तुम इसका मतलब कुछ करते ही नहीं हो उनको ऐसा लगता है दिखाओ क्या क्या सीखे आए हो यस यस यही कि देखो क्या सीखा है वहाँ पे नया क्या सीखा है कितनी ताकत है तो वो कुश्ती लड़ते थे कि मैं देखूँ हाथ पकड़ के पैर पकड़ के तो एक दिन मतलब ऐसे फिर पापा की एज ज़्यादा हो गई लेकिन उनका मन था कि वो मतलब हरा लेंगे हमें हरा तो वो मन था तो एक दिन ऐसे कुश्ती करने लगे तो सभी बैठ गए बाहर से तो लड़ते 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 मेरे पापा को सांस चढ़ गए जल्दी
तो थक गए, थक के गिर गए फिर. तो वो सीन बहुत ही पावरफुल था. आमिर खान ने कुछ समय पहले एक फिल्म बनाई थी, थ्री इडियट्स, आपने देखी होगी. उस फिल्म का जो मैसेज था वो था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं. वो उस फिल्म का थीम है, मैसेज है. और आपकी आपकी कहानी का मैसेज कुछ और ही है. तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल. आपके फादर ने डिसाइड कर लिया मेरी बेटियां कुछ नहीं लड़ेंगी. देखिए, पेरेंट्स को बच्चों के, क्योंकि बच्चे जानते नहीं है क्या क्या हमारा भविष्य है, क्या हमारा लक्ष्य है. क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती. उनको अगर आप खुला छोड़ दो तो वो सबसे पहले खेलने के लिए जाएंगे. तो पेरेंट्स को उनका भविष्य पता होता है, क्योंकि उनको आधी लाइफ वो वैसे ही जी चुके होते हैं. उन्होंने अपना अनुभव उनका बहुत ज़्यादा होता है. तो वो हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे ये बने. अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो चाहेगा कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, और रेसलर होगा तो वो चाहेगा कि मेरे बच्चे रेसलर बने. तो यानी कि थोपना नीचे, उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें डालो, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा बहुत. हमारे ऊपर तो थोपा गया था कुछ. थोपा गया पर बहुत अच्छा गया, सही गया. हाँ बिल्कुल. अगर शायद नहीं थोपते तो आज हम भी यहाँ पे नहीं पहुँचते. तो उनके ऊपर यानी कि थोड़ा बहुत दबाव जरूर होना चाहिए, यानी कि एक संभालने के लिए उनका. जब तक दबाव नहीं होगा पेरेंट्स का, तब तक आप कुछ भी नहीं बन सकते. तो पेरेंट्स का सपोर्ट और उनका थोड़ा बहुत प्रेशर कहीं ना कहीं होना जरूरी है. अब हाल ही में आपकी फिल्म अभी रिलीज हुई, उससे पहले मैरी कॉम पर फिल्म बनी, उससे पहले चक दे इंडिया जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम पर फिल्म बनी थी. तो काफ़ी सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो वुमेन्स स्पोर्ट्समैन पे बनी हैं. पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फिल्म बनने के बाद जो स्ट्रगल वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन को करना पड़ता है, क्या वो सिस्टम थोड़ा बदला है? बिल्कुल बदला हुआ है. और अगर पहले से और अब में अगर हम कुछ 5-10 सालों में देखें तो बहुत चीज़ों में बदलाव भी हुआ है. चाहे वो सुविधाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं को देख के प्रति देखने का, स्पोर्ट्स वुमेन जो उनको देखने का उनके प्रति जो लोगों का नज़रिया है, चाहे वो हो, चाहे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आ रहे, जो वुमेन्स जो छोटी बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स में आ रही, चाहे उनका हो. तो काफ़ी अभी आप देखोगे तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं. और अभी 2016 रियो ओलंपिक में लगा लीजिए कि दो बेटियां जो कि जिन्होंने देश को मेडल ला के दिए हैं. तो मतलब लड़कियां, आज का टाइम बदल गया है और लोगों की देखने का, सोचने का नज़रिया भी बदल गया है. और मैं तो कहूँगी कि इस तरह की अगर फिल्म, क्योंकि जो भी एथलीट होते, जो भी चाहे वो फीमेल हों चाहे वो मेल हों, तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं कि मोस्टली एथलीट बहुत स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल करते हैं. तो और उनकी कहानी ऐसी, तो हर कोई इन कहानियों को अपने जीवन से कंपेयर करता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ, इतना स्ट्रगल. पर क्या सिस्टम सुधर गया है? जो स्ट्रगल स्पोर्ट्स वुमेन को फेस करना पड़ता है, क्या वो बदला है? आपके आने के बाद दरवाजे खुले हैं फॉर वुमेन रेसलर्स, वो तो है. देखिए, कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है. क्योंकि जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तब तो कुछ भी नहीं था, ना के बराबर थी. अभी फिर भी हम कैंप वगैरह में जाते हैं तो फिजियो डॉक्टर तो वो मिलते हैं हमें. तो उनकी भी, क्योंकि एक अगर आप अगर कोई भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो मेडल जीतता है तो उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, फिजियो या फिर डॉक्टर, कोचिज और पार्टनर, हर चीज़ की जरूरत होती है. तो हर किसी का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी हमें मेडल दिलाने में हेल्प करता है. तो हर किसी का सपोर्ट होना, और पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, स्पॉन्सर वगैरह भी नहीं थे. अब तो फिर भी हर क्रिकेट के अलावा शायद किसी गेम के लिए स्पॉन्सर नहीं थे. अब ये मेरा अगला सवाल था कि क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट में इतना एनर्जी जाता है, इतना लोगों का अटेंशन जाता है, आप कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि जो स्पोर्ट्स क्रिकेट से बाहर हैं उन्हें उतना अटेंशन भी नहीं मिलता. इंटरनेशनल लेवल पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा भी हो फिर भी उतना अटेंशन नहीं मिलता, तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, अपने अपनी मानसिकता आती. मेरे पिता जब हम छोटे थे तो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे. अच्छा.
ना खेलने देते थे ना देखने देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बस सिर्फ टीवी पे आता है तो सिर्फ क्रिकेट आता है और कुछ दिखाते ही नहीं है। तो क्रिकेट से नहीं चिढ़ते थे क्योंकि और गेम को इतनी अहमियत नहीं मिलती थी, तो इस वजह से वो चिढ़ते थे। लेकिन अभी 2010 कॉमनवेल्थ जब इंडिया में हुए उसके बाद तो मुझे लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स में भी लोगों का बहुत रुझान बढ़ा है, और हालांकि क्रिकेट हमारे देश में नंबर वन पे आता ही है, लेकिन उसके बाद अभी जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं उसमें भी लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ा है, और चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों काफ़ी आगे आ भी रहे हैं। अच्छा, अपने ट्रेनिंग रेजिमेन के बारे में कुछ बताइए, आपका एक दिन कैसे बीतता है, कैसे अ डे इन द लाइफ ऑफ गीता एंड बबीता, सुबह से लेकर शाम तक आपका दिन कैसे जाता है और कितना समय देते हैं आप ट्रेनिंग? जब हम घर पे होते हैं मेरे बाबा के पास ट्रेनिंग करते हैं तब अभी भी हम 4 बजे उठ जाते हैं, 4 से 6:30, 7 आदत से मजबूर क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि अगर तारे, क्योंकि सुबह 4 बजे तारे होते हैं, तो बोलते हैं कि तारों की छाव में जो मेहनत होती है वो तो भगवान भी देखता है कि क्योंकि मेरे पापा कि मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन भगवान भी तो देखता है कि बाकी की दुनिया सो रही है और ये 4 बजे उठ के मेहनत कर रहे हैं, तो उसका बोलते हैं कि उसका मजा भी कुछ अलग हो रही है और उसका फल भी कुछ हो रही है। कितने घंटे आप ट्रेन करते हैं? तो हम मतलब हम जब नेशनल कैंप में जाते हैं या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे कैंप्स में जाते हैं तो हम बोलते हैं मेरे पापा को आके कि वहाँ पे तो 9 बजे सुबह 10 बजे ट्रेनिंग का टाइम होता है, तो मतलब वो हमें अपनी ये है कि आराम से नींद से उठ के फिर आराम से सुबह 9-10 बजे ट्रेनिंग करें, तो तब मेरे पिता बोलते हैं कि जो सुबह की हवा होती है वो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह आपका ट्रेनिंग जो स्केड्यूल है वहाँ पे अलग होता है और गांव पे अलग होता है? गांव पे अलग होता है। अच्छा, तो कितने घंटे ट्रेन होते हैं अगर आप सोचो आप गाँव में हैं तो सुबह 4 बजे उठ के 6:30-7, 2.5-3 घंटे रहता है ट्रेनिंग का टाइम। फिर उसके बाद हम बादाम प्रोटीन शेक जूस वगैरह पीते हैं और नाश्ता, और हमारा मतलब नाश्ते में कभी कभी करते हैं, नहीं तो फिर हमारे लंच ही होता है क्योंकि प्यास लगती है इतनी ट्रेनिंग के बाद, फिर उसमें हरी सब्जियां दूध दही सब लेते हैं। बचपन में तो हम प्रैक्टिस करने क्योंकि प्रैक्टिस करके खा पी के स्कूल में चले जाते थे, तो पूरे दिन स्कूल में बीतता था, तो स्कूल में जब टीचर पढ़ाते थे तो बैठे बैठे सोते रहते थे, तो टीचर को पता था कि भाई हम गेम करते हैं तो इतनी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है, हमें तो रेस्ट कहीं मिलता ही नहीं था क्योंकि मेहनत किए सुबह 4 बजे उठ के फिर स्कूल चले गए वापस आते फिर सुबह शाम हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही दिखाई देती थी। पर मैं जब हम स्कूल भी जाते थे तो हमारा स्कूल गांव से 4 किलोमीटर दूसरे गांव में था, तो हम पैदल जाते थे, फिर गर्मी हो सर्दी हो हम पैदल ही फिर आते थे, और आते ही स्कूल से वापस आते थे 3:30-3 बजे आते थे, और फिर आते ही फिर वही अखाड़ा, तो मतलब बचपन का जीवन दोबारा हम चाहते नहीं कि वो आए जो बीत गया वो बीत गया। हम आपके डाइट के बारे में भी जानना चाहते हैं, आपने कुछ कुछ कहा आपके बबीता आपके मसल्स देखकर मुझे कुछ कुछ होता है आप अपने डाइट के बारे में बताइए, क्या खाते हैं, कितना घी खाना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? मेरे पापा आज भी 2 लीटर दूध पीते हैं आज भी। 2 लीटर वो खाना खाएं ना खाएं लेकिन दूध जरूर पीते हैं, दूध के बिना उनको नींद ही नहीं आती। आप 1 लीटर तो हम भी पी लेते हैं, 2 तो नहीं, तो पापा कहते हैं कि मैं इस उम्र में अगर मैं अभी भी 2 लीटर दूध पी तो तुम क्या तुम नहीं पी सकते, पापा हमारी बस इतनी ही है, तो पापा कहते खुद बैठ के पास में दूध पिलाते हैं खाना खिलाते हैं, और अगर हमने अच्छी मेहनत की तो पापा सिर्फ मेहनत से ही खुश होते हैं, अगर हमें पापा अच्छी को खुश करना की है, तो मतलब 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर पापा को हमें खुश करना है कोई चीज लेनी है तो पहले पापा को बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी रेगुलर मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते तो पैदल जाते थे तो गीता ने साइकिल सीखी तो गीता सोची कि पापा से साइकिल लेनी, तो पापा से साइकिल मंगवाने के लिए हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की 1 महीने, तो बोला कि पापा साइकिल ला दो, पापा ने साइकिल ला के दी, तो कई बार क्या होता था कि जैसे ट्रेनिंग कम हुई तो पापा वापस छीन लेते साइकिल कि तुम्हारी साइकिल बंद और नहीं देना, तो फिर जैसे साइकिल पर से पापा ने स्कूटर ला कर दी तो पापा गीता बोली कि पापा स्कूटर, फिर हमें और अच्छी मेहनत करनी पड़ती, फिर पापा स्कूटर लेके आते,
तो ऐसे यानी कि कोई भी चीज़ की अगर जरूरत होती थी तो पापा को पहले मेहनत करके खुश करना पड़ता। मेरे पापा बोलते हैं कि मैं कहता हूँ वो मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें दो मुंह में से बोलोगे मैं ला के दूंगा, तो वो मेहनत ही तुम्हारे लिए सबसे। मेरी जान मांगोगे उसके बदले तो मैं वो भी दूंगा तुम्हें। उनको सिर्फ मेहनत चाहिए होती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल थोड़े लेट हो रहे थे हम, तो गीता साइकिल चला, मुझे चलानी नहीं आती थी तो लेट हो गए, तो गीता क्योंकि मैं पीछे बैठती थी ये चलाती थी। मेहनत करके फिर साइकिल चलाना, किसी को बैठा के चलाना, मतलब वो भी मेहनत ही थी। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक गड्ढा आता है, उसके अंदर थोड़ा पानी भरा हुआ था। गीता ने सोचा इतनी दूर लेके जाएगी, इतनी मेहनत होगी, क्या क्या उस गड्ढे के अंदर मुझे गिरा दिया जानबूझ के, कि इसको बैठा के ले जाऊंगी, दुगनी मेहनत होगी, अच्छा है इसको गिरा के और अकेले ही चले जाऊँ। मैं बोली कि रुक एक मिनट, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। इसने बोला कि अब जा तो घर, तेरी छुट्टी है। मेरा अगला सवाल है कि आप चार बहने हैं तो आपस में आपकी कैसे बनती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुश्ती पर मामला उतर आता है, ऐसा कभी हुआ है कि देखिए पहलवान है और वेट कैटेगरीज है, सीनियरिटी है, तो जो बड़ा होता है वो छोटा उसकी मानता चला जाता है। ऐसा है। मेरे पेरेंट्स ने सिखाया भी हमेशा यही है कि बड़ों की मानो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो और छोटे को मानना ही पड़ेगा। मतलब आप हमेशा बॉस रही हैं चारों में से। हाँ बॉस कह लीजिए, मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट भी सब आपकी हैं। बात मानते हैं। बात भी यस बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी, चाहे इनका वो चीज़ करने, कोई काम बताऊँ करने का मन ना करे लेकिन वो फिर भी करते हैं। सबसे शरारती कौन है आप इन तीनों में से? बबीता बहुत शांत है, हम चारों बहनों में से सबसे ज़्यादा शांत बबीता है। यस और शरारती तो मैं या रितु, हम बराबर ही हैं। और अब जबकि आपकी शादी हो चुकी है, आप घर से बाहर आ गए हैं, तो अब बॉस कौन है, अब कौन संभाल रहा है घर पे? अब देखिए मैं बड़ी हूँ लेकिन गीता की तरह नहीं संभाल सकती, क्योंकि इसने हमेशा से लीडर बन के काम किया है, तो मैंने तो इसके पीछे ही रही हूँ हमेशा। तो अब लीडरपन का अगर थोड़ा बहुत आया है तो इतना गीता जितना तो नहीं संभाल सकती, लेकिन फिर भी इसका स्वभाव भी थोड़ा शांत है मेरा, थोड़ा इनकी मतलब मैं डांट सकती हूँ लेकिन मार नहीं सकती किसी को। ये फिर भी कभी एक आधी बार हमें डांट से नहीं माने तो एक आधी बार लगा भी देती थी, लेकिन मैं मार नहीं सकती तो उनको प्यार से ही ज़्यादा समझाती हूँ। हाउ ब्यूटिफुल। अब जब आपकी शादी हो चुकी है और वो भी एक पहलवान से, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है शादी के बाद, और दूसरा सवाल दूसरा मैं मेरी दो मिनट में अगर क्योंकि शादी के बाद भी मुझे मैं बहुत उसी दौरान दंगल फिल्म आ गई, वैसे ही अग्रेसिव हूँ जैसे मैं घर पे रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई बार कोई भी बात होती है तो चाहे मेरी सासू माँ हो तो मैं बोलती हूँ मैं महावीर की धाकड़ छोरी हूँ धाकड़ क्योंकि सभी ने फिल्म देखी है। आपकी सासू माँ आपसे डरती है? मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बड़ों के, तो मैं प्यार से ही रख लेती हूँ सभी को। और घर पे आई एम सॉरी मैं ये पूछना ज़रूरी है, घर पे कभी कुश्ती लड़ते हैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ? मैं नहीं लड़ती क्योंकि अगर कोई बात होती है मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि वो हैवी वेट कैटेगरी के पहलवान हैं। तो जहाँ पे भारी पहलवान हो वहाँ पे थोड़ा चुप हो जाए। हमारी घर पे होती थी कभी कभार लड़ाई हो जाती छोटे बहन भाइयों में, तो मम्मी कहती थी यहाँ कभी हार गए या कुछ भी, तो मम्मी बोलती थी कि वहाँ तो कुछ करके नहीं आई, यहाँ पे क्या करेगी तू, अब यहाँ पे आके लड़ रहे हो, लड़ना था तो उसके साथ लड़ती ना, उसको हरा के आती तब मानते कि तू हाँ कुछ है, यानी कि मतलब हमें लड़ाई का चांस ही नहीं मिलता था। और पापा अगर देख लेते थे कभी लड़ाई करते तो पापा सीधा यही बोलते तुमने आज प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती थी लड़ाई करने की, इतनी एनर्जी बचती नहीं थी तुम्हारे अंदर। पर लड़कों के साथ आप मतलब अखाड़े पे नहीं, लड़कों की धुलाई आप करते थे, पिटाई होती थी, वो पिक्चर में जो दिखाया है, फिल्म में जो दिखाया है वो सच है ना? इस तरह का जो फिल्म में दिखाया गया है इस टाइप से नहीं हुआ था, कुछ बात हो रही थी, बबीता ने एक बार कोई हम ट्रेनिंग पे ही थे और किसी के साथ नेशनल कैंप में किसी के साथ बहस हो गई थी और उसने बबीता का कॉलर पकड़ लिया उस लड़के ने। तो उसको ये बात ये थी कि गीता गाड़ी पार्क कर रही थी
तो गीता गाड़ी पार्क करते हुए कोई ऑफिसर का कोई बेटा वहाँ पे खेलना है तो ड्राइवर उसका साथ आया हुआ था, गाड़ी खड़ी तो वही पार्क करवा रहा था कि आगे आने दो आगे आने दो, तो गीता ने उसके अंदर यानी कि लग गई कहीं टच सी हुई थी, तो उसने वहीं बोला कि मैडम पैसे निकालो। तो हम ट्रेनिंग पे आए हुए थे, पैसे कहाँ पर साथ में लेके आते, तो गीता बोली कि अभी ट्रेनिंग का टाइम हो गया, ट्रेनिंग फिनिश हो के मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो जैसे ही ट्रेनिंग फिनिश हुई गीता गाड़ी में बैठी तो वो वहीं पे खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आए। तो उन्होंने यानी कि छीनने की कोशिश की चाबी, तो मैंने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो। उन्होंने मेरी नहीं सुन के उन्होंने यानी कि छीना झपटी स्टार्ट की गीता से चाबी। तो गीता बोली कि मैं पैसे लेके आऊँगी तभी तो दूँगी, तो नहीं माना वो, कहने से भी नहीं माना। तो मैंने ऐसे कैसे कॉलर पकड़ के उसको 2-3 थप्पड़ लगा दिए, तो उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। तो फिर गीता बोली कि भैया ये लड़की है, तो वो सहम गया यानी कि मेरे बाल इतने छोटे थे और मैं लग भी नहीं रही थी कहीं से लड़की, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत लग रही हूँ यानी कि लड़कों के जैसे ही लग रही थी। तो फिर एकदम सहम गया कि लड़की है, उसने फिर कॉलर छोड़ा और फिर उसको कहीं ना कहीं ये हुआ कि तूने पंगा तो गलत ही ले लिया। तो फिर उसके बाद हमारे कोचिज वगैरह आए और उसको फिर बस चला, वह वैसे ही चला गया, उसके बाद तो उसने कुछ मांगा भी नहीं, वो अपना गाड़ी लेके और चला ही गया। अच्छा ये बताइए, कुश्ती के दौरान और अब फिल्म के बाद यहाँ ऐसे आप जगहों पे आके बात करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, आपने बहुत ट्रैवल किया होगा, सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी जहाँ पे आपने शॉपिंग भी की, मज़ा भी आया, साइट सीइंग करने का मौका मिला? आप तो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुके हैं दोनों। देखिए जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी जाते हैं तो हमें सिर्फ हम कंपटीशन खेलने जाते हैं, वहाँ पे 3 या 4 दिन हमें मिलते हैं तो टाइम मिलता ही नहीं है हमें कि हम बाहर घूम सकें, घूमने का टाइम होता ही नहीं, क्योंकि जब जाते हैं तो कंपटीशन का इतना प्रेशर रहता है और फिर वो डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट कैसा रहता है, और फिर तुरंत फिर हम वापस इंडिया आ जाते हैं तो घूमने का इतना समय नहीं मिला। लेकिन जब मैं लंदन ओलंपिक में मैं गई थी तो वहाँ पर मैंने लंदन घूमा, तो मुझे लगता है कि मेरा जो फेवरेट है वो लंदन। गोवा, गोवा के बारे में क्या सोचते हैं? यस, गोवा में सेकंड टाइम आ रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं कुछ 1 महीने पहले आई थी और अच्छा लग रहा है गोवा, बहुत ही पढ़ते हैं सुनते हैं लोगों से और देखते हैं, लेकिन आना अभी हुआ है तो एक गोवा बहुत ही सुंदर जगह है। आपको गोवा पसंद है? हम गोवा बिल्कुल, मेरी फेवरेट जगह थी गोवा, मेरा सपना था, एक ड्रीम था कि मैं गोवा में घूमूं, क्योंकि मैंने सुना था कि गोवा बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे बीच है इतना सुंदर, तो मतलब मेरा एक सपना था और आज मैं गोवा में आई हूँ लेकिन अभी घूमी नहीं हूँ, तो अब शायद थोड़ा टाइम मिलेगा तो सेशन के बाद मेक अरेंजमेंट्स दैट शी गेट्स टू गो। तो मेरी ये ड्रीम सिटी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गोवा। मतलब आपको ये मौका नहीं मिलता जैसे लड़कियां जब कहीं बाहर जाती हैं, किसी नए शहर में जाती हैं, शॉपिंग, कभी शॉपिंग करने नहीं गई आप? नहीं, शॉपिंग का मुझे भी और बबीता को दोनों को ही बहुत शौक है, जहाँ पे दैट यू कांट टेक अवे फ्रॉम अ गर्ल, नेवर। यस, तो जहाँ भी जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी बड़ा मॉल ही हो, कहीं पे भी हो, हम मतलब कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो मतलब खरीद लेते हैं, देखते हैं, तो लेकिन कहीं ऐसा मतलब ऐसा टाइम, इतना टाइम नहीं मिला है कि कुछ एक हफ्ते के लिए हम जाएं वीकेंड, मतलब छुट्टी बना के आए, तो वो टाइम अभी तक नहीं है, हमने ना ही लिया है और ना ही मिला है। अच्छा, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन सा है, वो एक्सरसाइज जिसे आपसे जिसे आपको सबसे ज़्यादा नफरत है? फेवरेट एक्सरसाइज मेरा हमारा जो कुश्ती का खेल है, तो मैट के ऊपर चाहे मैं कितनी ही देर में ट्रेनिंग करती रहूँ, मैं उसे थक नहीं सकती, उसे मैं ये नहीं कि मैं कर नहीं सकती। और जिम में अगर मैं मुझे मेरा फेवरेट है कि फ्री वेट ट्रेनिंग, मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है वेट उठा के, और कोई भी एक्सरसाइज हो। और जो सबसे बुरी जो एक्सरसाइज मुझे लगती है, एक्सरसाइज नहीं, मुझे रनिंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। हाँ, क्योंकि रनिंग बहुत ही ज़रूरी भी है फिटनेस के लिए, और रनिंग मेरी ठीक ठाक है, बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कोई मुझसे ये बोल दे कि 100 मीटर की रनिंग है और किसी के साथ कंपटीशन करना, चाहे मैं उससे कितनी अच्छी हूँ लेकिन मैं कंपटीशन के नाम से बिल्कुल भी छेड़ जाऊँगी। बबीता, मेरी फेवरेट पुशअप और चिनअप है, सबसे फेवरेट मेरी पुशअप और चिनअप है। 1-1 हज़ार 1-1.5 हज़ार बबीता पुशअप लगा देती है।
स्ट्रेंथ की कोई भी एक्सरसाइज हो मुझे मेरी फेवरेट है. वैसे ज्यादा दोनों ये फेवरेट थे. और अगर जो मेरी फेवरेट चिनअप्स चिनअप्स किसी एक्सरसाइज से आपको नफरत है? नफरत है मुझे स्ट्रेचिंग करवाने से. स्ट्रेचिंग करवाना स्ट्रेचिंग इतना वेस्ट ऑफ टाइम है ना. बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होते है, जैसे फिजियो वगैरह होते हैं, कभी कहते हैं आज स्ट्रेचिंग करो. मैंने कहा छोड़ो आज तो कल देखेंगे. यानी कि हर दिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि छोड़ो, लेकिन कई कई बार तो ऐसा होता है कि जबरदस्ती पकड़ के स्ट्रेचिंग करवाते हैं मुझे. लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है. जरूरी है, जरूरी है, पता है जरूरी है, और एथलीट्स के लिए तो ज्यादा जरूरी है. पर हाँ, मुश्किल काम है, ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है. चलिए, मैंने मैंने आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर पता है क्या है, जहाँ पे मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगी और तुरंत आपके दिमाग में जो भी जवाब आए आपको बोलना होगा. मतलब लंबा चौड़ा नहीं, छोटा छोटा सा जवाब. आप रेसलिंग करवा लेते वो सबसे आसान थे, ये तो बहुत मुश्किल है. ठहरो, देखो आगे आगे होता है क्या. ओके, सबसे पहले मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी, जल्दी जल्दी जल्दी. हाँ हाँ, और फिर उसके बाद आपसे एक 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 करके पूछ, एक एक करके. चलो ठीक है. आपका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जो लोग आपके बारे में जानते नहीं? मैं झूठ नहीं बोलती. ये अच्छा सीक्रेट है. बबीता, आपका निकनेम क्या है? लोग आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? मेरा नहीं, मुझे बेबो भी बुलाते हैं, और बीता, घर पे बीता, और मेरी जो फ्रेंड्स है वो बेबो बुलाते हैं. बेबो, वेरी नाइस. आपका फेवरेट फिल्म डायलॉग कौन सा है? कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ है. जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. और ये सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट डायलॉग क्या है, फिल्मी डायलॉग. मेरा मुझे ध्यान ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा है. वैसे बॉडीगार्ड का है, मुझे याद करना पड़ेगा. रैपिड फायर, रैपिड फायर. अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं. नहीं, आपके पास ही रहते हैं, क्योंकि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया. आपका फेवरेट गाना और उसका एक लाइन गाना पड़ेगा. फेवरेट गाना, वैसे तो बहुत सारे हैं मेरे फेवरेट, जो भी दिमाग में पहले आए. दिमाग में अब तो आपने याद था वो भी भूल गई, मैं तो ऐसे पूछ लिया आपने. फेल, दोबारा फेल. फेल हो गई. ठीक है, आप 1000 पुशअप्स करती हैं, आप किसी भी एंगल से फेल नहीं है. अच्छा, इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है और सबसे बुरी क्वालिटी क्या है, मैं आपसे पूछूंगी. अच्छी क्वालिटी ये है कि ये कोई भी बात होती है, कुछ भी इसको बोल दो, ये पलट के जवाब बहुत कम देती, सुन लेती है. और बुरी बात ये है कि बुरी बात ये है कि जो सभी को पता है इसकी बुरी बात का, कोई भी इसने इसको कोई 10 साल पहले किसी ने इसको कोई बात बोल दी जो इसको बुरी लग गई, वो इसको ज़िंदगी भर याद रहेगी, उसको छोड़ेगी नहीं. छोड़ती नहीं. हाय हाय. अब आप इनके बारे में बताइए, आपको थोड़ा समय मिला सोचने के लिए. इनकी सबसे बेस्ट बात, इनकी सबसे नॉट सो बेस्ट बात. अच्छी बात ये है कि इसको अगर, जैसे इसने बताया कि अगर मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं सालों तक याद रखती हूँ, तो इसकी ये है कि ये बहुत जल्दी भूल जाती है. अच्छी बात है. बहुत जल्दी भूल जाती है, और भूल के वैसी ही हो जाती है. और बुरी बात यह लगती है कि ये अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी का भी दिल दुखा सकती है. अगर आपको किसी फिल्म में हीरोइन का रोल मिलता तो आप किस हीरो के ऑपोजिट में एक्ट करना चाहती? सनी देओल. सनी देओल, ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया. क्योंकि सनी देओल जी मेरे मतलब फेवरेट हीरो हैं, कभी से हैं. आप मिले हैं उनसे? यस, मैं फर्स्ट टाइम अभी जो जनवरी में हमारी प्रो रेसलिंग लीग हो रही थी तो वहाँ पे सनी जी आए थे, तो वहाँ पे मैं मिली और सनी जी को मैंने बताया सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो ऐसे फिर एक लड़की वहाँ पे जो थी एंकर जो थी, तो उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया, तो आके सनी जी बैठे हुए थे टीम के साथ ही, तो उन्होंने बोला कि मुझे मतलब मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत शर्मिंदा सा हो जाता हूँ. तो ये बस की बात नहीं है, तो मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, मैंने कहा सर मैं आपकी फ़ैन हूँ बस.
आपका सवाल, अगर आप कुश्ती नहीं लड़ती, अगर आप कुश्ती में ना होती तो क्या बनना चाहती? देखिए, मैं तो सोचने का मौका ही नहीं मिला, इतनी छोटी उम्र में ही स्टार्ट करवा दी थी कि क्या बनती, अब तो जो बन गए वही बनती, यही सोच रही हूँ कि यही बनती तो अच्छा था। अगर आपने पूछा है तो शायद मैं अगर रेसलर नहीं बन पाती तो शायद हाउसवाइफ होती अब तक। नहीं, आप तो कभी हाउसवाइफ नहीं बन सकती। अच्छा, आप अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए, 3 शब्दों में। मैं जैसे मैं अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करूँगी, मैं खुश, फिट, बातूनी, तो आप अपने आप को 3 शब्दों में। सेम आप जैसी। नहीं, ये 3 वर्ड्स मेरे थे, अब आपके 3 वर्ड्स क्या है बताइए। बहुत खुश मिजाज और फिट, फिट एंड स्ट्रॉन्ग। शब्द थोड़े बदल गए पर इरादा से फिट एंड स्ट्रॉन्ग। और तीसरा रह गया, और सबकी बॉस, सबकी बॉस भी। और मतलब अपने आप पर भरोसा, हर चीज़ कुछ भी चीज़ करने के लिए, मतलब ये नहीं है कि कोई और बोले या कोई किसी और, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लगता है सिर्फ भगवान से लगता है। बहुत बढ़िया। आपका आखिरी सवाल, बचपन का सबसे यादगार पल? बचपन देखिए हर किसी का यादगार होता है, तो हमारा बचपन यादगार हमारे रेसलिंग ही रहा है। वो था, हम जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे हम चीटिंग बहुत करते थे, जैसे मूवी के अंदर दिखाया, अलार्म बंद कर देते, तो ऐसे ही हम मूवी में जो नहीं दिखाया वो बताती हूँ आपको कि सुबह जैसे 4 बजे गांव में लाइट भी कम होती तो पापा इन्वर्टर लेके आए, और क्योंकि लाइट चली जाती है 4 बजे तक, तो पापा ने सोचा कि ट्रेनिंग उस टाइम पे हम घर पे करते थे और मैट के ऊपर करते थे, तो लट्टू हमारा तो इन्वर्टर चार्ज हो जाता था पूरी रात, तो वो 1-2-3 घंटे तो वो चलेगी लाइट, तो हम क्या करते थे, पलक के अंदर फ्रिज को लगा देते थे ताकि वो जब तक वापस आए वो इन्वर्टर की बैटरी बोल जाए और हमें आज प्रैक्टिस से छुट्टी मिल जाए। तो ऐसे बहुत से एक्सीडेंट, क्योंकि पापा रेस्ट का कभी टाइम देते हैं, कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता, अगर हमारा रेस्ट होता था तो वो बारिश की वजह से होता, हम तो इंतज़ार करते थे कब बारिश हो और कब हमें रेस्ट मिले, और बारिश क्योंकि उस टाइम अखाड़ा था, अखाड़े के अंदर थोड़ा पानी कम बारिश आई और थोड़ा पानी, तो पापा के आने से पहले उसके अंदर और पानी की बाल्टी भर भर गिरा देते थे कि पापा बहुत बारिश आई है पानी भरा आज रेस्ट छुट्टी, तो वो सब बातें याद आती, हम सोचते हैं कि वो बचपन हम दोबारा से जिए, क्योंकि पापा की मार पड़ती थी तो साथ में पड़ती थी, जैसे ही पापा मार पीट पैट के और प्रैक्टिस करवा के गए तो उसके पीछे हम हंसी और उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते। पापा का बहुत मजाक उड़ाते थे पीछे से हम। वो तो फिल्म में भी देखा और अब आपकी जुबानी सुनकर भी अच्छा लगा। अच्छा बबीता, आपको पुशअप्स बहुत पसंद है, ये मेरी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है, आज मैं साड़ी पहन के नहीं आई हूँ, मैं आपके साथ 10 पुशअप करना चाहती हूँ। मंदिरा जी, मेरी फेवरेट आप लगाने के लिए बोल रहे हो, तो देखिए मेरे हाथ की सर्जरी हुई अभी और अभी तक टाके हैं, अगर टाके खुले भी होते तो भी मैं आपके साथ लगाने के लिए रेडी थी। अब गीता को लीजिए, गीता के साथ लगा साड़ी पहन। चलो गीता, मैं दिखाती हूँ साड़ी को कैसे ऐसे लपेटते हैं। वैसे मैंने मेरे ट्रेनर को हराया है पुशअप्स के अंदर, अपने जो मेरा ट्रेनर था, अच्छा, तो उसको हराया है मैंने। ऑफ कोर्स अगर आप 1000 करती हैं तो हराया ही होगा। कम ऑन, चलो गीता। तो मैंने साड़ी दूसरी तीसरी बार पहनी, संभालनी मुश्किल हो रही है। मैं आपकी गिनूंगी, आप लगा के बताओ। मैं अकेले क्या, अच्छा ओ फिर मैं आप लगाएंगे तो फिर मैं लाइफ में कह सकती हूँ कि मैंने गीता और बबीता के सामने 10 पुशअप किए, ठीक है? हाँ, यस यस यस। ऑलराइट, आयुष आप मेरे साथ करेंगी? नहीं, मंदिरा जी ओके ठीक है, मैं करने वाली हूँ, मैं गिनने वाली हूँ, आप गिनो 10। मेरी छोटी बहनों की तरह जब हम रेसलिंग करते थे तो जो मेरी छोटी सिस्टर है रितु और विनेश और जो, तो हम पुशअप लगाते थे, वो बैठ के गिनते थे। अच्छा, तो वो हमें टॉर्चर भी करते थे कई बार, हम क्योंकि बहुत ज़्यादा थके, कई बार कम मारने का मन होता था तो वो पापा को बता देते थे कि इन्होंने कम मारी है। मुझे टॉर्चर मत कीजिए, आप आज रखते थे, आप आज ही मुझसे मिली हैं, प्लीज आप मुझे टॉर्चर मत कीजिए, बस 10 पुशअप रेडी ओके। ये मौका मुझे कहाँ मिलने वाला है? मैक्सिमम आप जितनी लगा सकते हैं, मैक्सिमम 10 नहीं, मैक्सिमम जितने आप लगा सकते हैं। 10 वाओ वाओ, 2-3।
ग्रेट पावर। और यस, मैं पंजा लड़ा सकती हूँ मंदिरा जी के साथ। मैं जानती हूँ अगर मैं पहलवान के साथ पंजा लड़ाऊंगी तो मैं हारने ही वाली हूँ, पर मैं कह सकती हूँ मैं गीता फोगट के मतलब के हाथों हार गई हूँ। आई डोंट माइंड, चलो करते हैं, ये भी हो जाए। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। और इसके बाद कुछ ऑडियंस के सवाल है, मैं जानती हूँ, विल जस्ट गेट टू दैट इस पंजे के बाद। फिर जगह बात बन जाती है, बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है। थैंक यू, ये मेरी दिल्ली तमन्ना थी, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं हमारे पास आई थिंक सवाल के लिए थोड़ा ही वक्त है ऑडियंस के सवालों का, तो काफ़ी सारे सवाल मैंने ऑलरेडी पूछ लिए आपसे। आप क्या एडवाइस देंगी यंग गर्ल्स को जो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, आप क्या एडवाइस देंगे? ये जो सवाल आया है ये रिश थोटा से आया है, रिश थोटा, तो क्या एडवाइस देंगी उन लड़कियों को जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं पर उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं है कि तो हम एडवाइस सबसे पहले यही देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ये आप माइंड सेट कर लीजिए कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है, और जो बाकी के जो दूसरी चीज़ें हैं, बाकी के जो शौक हैं, वो सबको छोड़ना पड़ेगा। और कोई भी अगर लगा लीजिए हम रेसलर बनना चाहते हैं तो मैं हर किसी को कहना चाहूँगी अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसके ऊपर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और उसको ही अपना जुनून अपना पैशन सबसे पहले उसी को, जब तक उस मुकाम को आप हासिल नहीं करते तब तक आपका जुनून आपका पैशन सब कुछ वही होना चाहिए यहाँ पे, और उसके ऊपर भी डेडिकेशन भी उतना ही होना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, पता नहीं मैंने कैसे मिस किया आपसे पूछना। मूवी में आपकी माँ को एक दर्शक के जैसे दिखाया गया, आप बताएं कि उनका आपकी जीत में कितना हाथ है? मेरी माँ भी मेरे पिता की तरह हानिकारक नहीं थी, लेकिन हानिकारक मेरी माँ भी थी, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग नहीं करते थे और मेरे पापा घर पे नहीं होते थे एक आधा दिन, तो मेरी माँ छुपके से देखती थी और आते ही मेरे पापा को सारी बातें बता देती थी। और दूसरा मेरी माँ जब हम शुरू में उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था कि आपके पिताजी आपको इस दिशा में लेकर जा रहे थे। देखिए फिल्म में भी दिखाया गया कि मेरी माँ ने मना किया हुआ कि मतलब लोग क्या कहेंगे समाज क्या कहेगा, लेकिन मेरी माँ कभी फोर्स नहीं कर सकती मेरे पापा को, उन्होंने कभी ना ही फोर्स किया, उनको लगता है कि मेरे पापा जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। और लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते थे उस टाइम भी मेरी माँ 4 बजे उठ जाती थी, तो हमारा खाना क्योंकि कोई भी एथलीट है उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए डिसिप्लिन, उस 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि ट्रेनिंग और रेस्ट और डाइट, तो जो डाइट का कार्य था वो मेरी माँ संभालती थी। तो माँ को कितना श्रेय देते हैं? बिल्कुल, जितना मेरे पिता का इस मुकाम पर पहुँचाने में हाथ है उतना ही मेरी माँ का है, क्योंकि वो जब सुबह 4 बजे हम उठते तो मेरी माँ भी सुबह 4 बजे उठती थी, और वो रात को बल्कि 11-12 बजे सोती, सुबह 4 बजे उठती थी, उनको हमारे घर पे गाय भैंस रखते थे, उनको चारा डालती थी, दूध निकालती थी, हमारे लिए खाना बनाती थी, हम स्कूल चले जाते थे तो बाद में खाना बना के स्कूल भिजवाती थी, पापा लेके जाते थे खाना, एक बड़ा सा टिफिन होता था, तो मेरी सहेलियां मजाक भी उड़ाती थी इतना खाना खाते हो तुम, तो हम खाते भी थे साथ में, उनको भी खिलाते थे। तो मतलब और एक मम्मी एक बात और बोलती थी, जैसे हम कभी मना कर देते थे पापा को तो हिम्मत ही नहीं होती थी वैसे मना करने की, तो मम्मी को ही बोलती थी कि आज रेसलिंग नहीं करनी, इसे पीछा छुटवा दो, तो जैसे मूवी के अंदर दिखाया मम्मी बोलती थी बेटे बस 2 साल की मेहनत है उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम है, या तो तुम अब 2 साल मेहनत कर लो
फिर पूरी जिंदगी दुखी रहना, या फिर अब दुखी हो लो 2 साल और पूरी जिंदगी आराम कर लें। और माँ की बात को टाल नहीं सकते। 2 साल आज तक, आज भी अगर माँ से पूछते हैं कि माँ कितने साल और, तो कहती है बेटे बस 2 साल और मेहनत करनी है। तो ये था सवाल नीरव शाह की तरफ से। और एक और सवाल है, वॉज इट टफ टू एक्सेप्ट न्यू टेक्निक्स एंड कोचिंग फ्रॉम अ न्यू कोच इन अ कैंप? मतलब पहली बार जब आप कैंप गए और अपने पिताजी के ट्रेनिंग से दूर एक नए सिस्टम में आए, तो वो हैंडल करना, उसे एक्सेप्ट करना, उसमें घुल जाना, कितना हमारे लिए तो मज़े की बात थी। मेरे पिता से दूर जाना सबसे पहले बात तो ये चाहते थे कि कब पीछा छूटे, कब पीछा छूटे। और दूसरा ना वहाँ पे इतनी ट्रेनिंग होती थी, जब हम कोचेज हमें ट्रेनिंग देते थे स्टार्टिंग में, जब नेशनल कैंप में गए, मैं जब सब जूनियर थी तो मुझे सांस ही नहीं चढ़ते थे, सभी लड़कियों के इतने सांस, मेरे मुझे ये लगता था मैं कुछ ट्रेनिंग हुई ही नहीं। तो मतलब उस टाइम पे तो अच्छा लगता था कि बच गए 1-2 महीने, बहुत इजी है ये। तो मतलब वो उस स्टार्टिंग में तो बहुत ये चीज़ कैंप अच्छा लगा, वहाँ पे रहना, लड़कियों के साथ मिलना सभी से, मतलब घर पे तो सिर्फ ट्रेनिंग और घर या फिर स्कूल, तो 3 ही चीज़ें थी, तो हमें तो मज़ा आया था। बबीता क्योंकि हम अलग था, हमेशा से साथ में रहे हैं। वो नए टेक्निक्स आपको कैसे लगे? मतलब इजी तो लगे पर आपके लिए कुछ देखिए अलग था जो आप अखाड़े में नहीं सीखते थे? टेक्निक्स बिल्कुल, मेरे पिता ने हमें जब से कुछ ही सिखाया, मेरे पिता की बस हम एक ही चीज़ कि उनको टेक्निक का इतना उनको नहीं पता है, लेकिन वो उन्होंने उस चीज़ को इतनी मेहनत करवा के उस टेक्निक को स्ट्रॉन्ग इतना बना दिया कि वो कहते हैं कि अगर आदमी की गर्दन मजबूत होगी, हाथ मजबूत होगी, कमर मजबूत होगी, पैर मजबूत होंगे, क्या टेक्निक करेगी, तो कहाँ से ला देगा अगला, कहाँ लगाएगा? अगर तुम किसी की गर्दन पकड़ के खींच बैठा लोगे तो टेक्निक कहाँ काम आएगी, आएगी तो पावर ही काम। तो वो हमेशा पावर को ज्यादा मानते हैं। तो जो पिक्चर में है बिल्कुल सही है फिर। जो पिक्चर में जैसे दिखाया है, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, इन 3 सवालों में से आपको कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा? क्योंकि जो सवाल इन 3 सवालों में से आपको जो सबसे अच्छा लगा, उन सवाल पूछने वालों को, सवाल पूछने वाले को, एक सवाल पूछने वाले को एक प्राइज मिलेगा, राइट? राइट। ओके, कैन यू टेल मी आपको कौन सा अच्छा लगा? एक था वो मम्मी का कंट्रीब्यूशन, दूसरा था नए टेक्निक्स, और तीसरा था वो आप यंग लड़कियों को क्या एडवाइस देंगी। ये वाला सवाल आपको बेस्ट लगा? तो ये सवाल पूछा था रिश थोटा ने। रिश, कहाँ पे आप? Okay. Right up front, ladies and gentlemen, a round of applause. The best question winner. Goa Fest 2017 is going cashless this year in support of Remonetize India. This prize is sponsored by Yes Bank. Thank you, Yes Bank. Congratulations. Power women in the house. That was fascinating and fun. Thank you, Mandira. Thank you, Babita, Geeta. We loved it. Thank you so much. May we invite on stage Mr. Raj Nayak, who will hand over a token of our appreciation to Geeta, Babita Pogat, as well as Mandira Bedi. Ladies, please wait back. और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को मंदिरा की तरह फिट जरूर होना चाहिए। रेसलर बने या न बने, लेकिन फिट होना बहुत जरूरी है। Ladies and gentlemen, one more round of applause for this awesome session. Hard work and how. A big thank you to Geeta and Babita Pogat, Mandira Bedi and Mr. Nayak. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, one more memento, sorry. Yes, please. Ladies and gentlemen, put your hands together, come on. Thank you. Thank you very much.